हर हर महादेव। देखिए इंदु मुंद्रा जी हैं मारवाड़ी परिवार से, इनका प्रश्न है कि अंग प्रत्यंग रक्त आदि दान करना, उसे स्वीकार करना, ये शास्त्र सम्मत है या नहीं है। आजकल लोग रक्तदान करते हैं, अंग दान करते हैं, जीवन के रहते या मृत्यु के बाद ये अंग प्रत्यंग दान करना लेना, ये शास्त्र सम्मत है या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए कि हमारे यहाँ बतलाया गया है कि जीवन है किस लिए, ये विचार करें, हमारा जीवन किस लिए है। तो सभी शास्त्रों का यही एक मत है, एक मत है कि जीवन धर्म के लिए है, ना तो भोगों के लिए है, ना ऐश्वर्य के लिए है, ना संपत्ति के लिए है, किसी के लिए नहीं है, जीवन केवल धर्म के लिए है। महाभारत में देखेंगे आप तो व्यास जी का वचन है कि धर्म को कभी नहीं छोड़ना, चाहे कितना भी संकट आ जाए, चाहे शरीर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतो। धर्मो क्यों, क्योंकि धर्मो नित्य सुख दुखे त्वनित्ये, जीवो नित्य हेतुरस्य त्वनित्यः। कि न कामना से, न कामात न भयात न भय से न लोभ से, यहां तक तो जीवन जीने के लिए भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि धर्म का परित्याग करने के बाद जीवन मिलता हो तो ऐसा जीवन हम सनातनियों को स्वीकार नहीं है, क्योंकि सुख दुखे तो अनित्य, ये सुख दुख जो है धन संपत्ति आदि ये तो अनित्य है, और जीवो नित्य है, जीव नित्य है ना। और इसका जो हेतु है, हेतु रस्यत्व अनित्य, जीव का जो हेतु है ज्ञान, वो भी अनित्य है, सब अनित्य है, संसार अनित्य है। यहां नित्य है तो वो जीव है और धर्म ही नित्य है। धर्मो नित्य, धर्म नित्य है, जो सदा सर्वदा आपके साथ रहता है। इसलिए धर्म का परिपालन करना है। यदि कोई जीवन को ही अपना श्रेष्ठ माने, धर्म को न माने, तो भला ये जो बॉर्डर पर खड़े हुए हमारे जो सुरक्षा गण हैं, फौजी लोग हैं, सैनिक गण हैं, तो वे क्यों लड़ेंगे। आज तक जितने भी इतिहास में जिन राजाओं ने, जिन क्षत्रियों ने, जिन सैनिकों ने युद्ध किए हैं, उन्होंने क्यों किए हैं, अपनी धर्म की रक्षा के लिए ही तो किए हैं, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी शान आन बान शान के लिए ही तो युद्ध किए हैं। तो धर्म को बचाना है मुख्य रूप से, धर्म के संरक्षण में यदि जीवन दान भी करना पड़े तो कर सकते हैं। तो क्या यदि कोई हमारा धर्म मना करता है कि ऐसा नहीं करना है, वैसा करके अगर जीवन भी मिलना है तो नहीं करना है, ये समझ लीजिएगा। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि आप जो है किसी का भी रक्त अपने अंदर चढ़वा लीजिएगा, मर जाना श्रेष्ठ है। जो हमारा धर्म, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, वो यहां तक कहते हैं कि किसी के पहने हुए जूते भी मत लीजिए, किसी का पहना हुआ वस्त्र भी मत लीजिए, किसी के उपयोग में लाया हुआ कोई भी संभार स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो वो धर्मशास्त्र कहेगा कि आप दूसरे का रक्त चढ़वा लीजिएगा, फिर अन्न खाने में क्या दोष है, किसका अन्न खाना है, क्या नहीं करना है। तो अन्न खाने के बाद रस बनता और रस से तब रक्त बनता, तो रक्त तो और ज्यादा सूक्ष्म है, फिर उस रक्त के बाद मज्जा वसा मांस अस्थि मेदा और शुक्र बनता है, सातवीं धातु। तो ये तो उत्तर और श्रेष्ठ है ना। तो अन्न खाने, यहां तक तो संभारों के लिए मना किया गया है। देखिए भगवान मनु ने क्या आज्ञा दी है,
चौथे अध्याय में 66वां श्लोक है कि उपान हौच वाशस उपान हौच वाशश्च धृत मन्यै न धारयेत् उपवीतमलंकारं सृजं करकमेव च। उपान हौ जूता भी दूसरे के पहने हुए न पहने, वाशस वस्त्र भी नहीं, दूसरे के पहने हुए वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। धृत मन्यै न धारयेत् अन्यै धृतै अन्यै धृतं न धारयेत्, दूसरे के द्वारा धारण किए गए हो तो धारण नहीं करे। उपवीतम कोई चाहे कि यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत भी दूसरे का पहना हुआ नहीं। अलंकारम कोई माला इत्यादि कोई आभूषण अलंकार है। सृजम माला पुष्पादि माला भी। करकमेव च करक माने होता कमंडलू, दूसरे का पात्र भी नहीं लेना चाहिए न धारये। तो वो धर्मशास्त्र कहेगा कि आप दूसरे का रक्त चढ़वा लीजिए, दूसरे का हाथ लगवा लीजिएगा, दूसरे का फेफड़ा पिलीहा आदि अपने अंदर डलवा लीजिएगा, फिर क्या वर्ण व्यवस्था रहेगी। तो बाहर के संभारों को भी जब धर्मशास्त्र में मना किया गया है तो फिर रक्त दूसरे का जो कि अन्न के बाद बनता, अन्न ही मना किया गया, भाई किसका अन्न खाए किसका नहीं खाए, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मणों का भी अन्न नहीं खा सकते यदि वे ब्राह्मण आशौच में है। किसी परिवार में बालक हुआ है, किसी परिवार में कोई मृत्यु हुई है तो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, पर वे लोग तो खाएंगे। अब रक्त मिल रहा है तो किसका रक्त है, आप लोगों ने अपनी हिसाब से देख लिया, अपने हिसाब से देख लिया कि भाई किसका कौन सा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या ग्रुप है ब्लड ग्रुप, तो वो वाला हम चढ़ा सकते हैं। अरे भाई केवल ब्लड ग्रुप ही नहीं नापा जाता है, वो किस वर्ण का है, उसका क्या प्रवृत्ति है, वो जन्म जन्मांतरों की उसकी क्या प्रवृत्ति रही है, इसको आप कैसे देख सकते हैं नाप सकते हैं। इसलिए ये सर्वथा निंदनीय है और शास्त्र विरुद्ध है। यहां तक किसी का कोई भी रक्त नहीं चढ़वाए ना ही अंग प्रत्यंग लेवे, क्योंकि धर्म का उल्लंघन करके जीवन श्रेष्ठ नहीं है, यूं समझिएगा। और दूसरी दृष्टि से देखें कि ये जो शव मृत हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके अंग प्रत्यंगों को निकाल लेते हैं तो फिर उसका जो है दूसरे को लगाते हैं, तो अंगच्छेदन शव का कितना मना किया गया है। शव जो है मृत्यु के बाद का जो शव हो जाता है वो क्रव्याद नाम के अग्नि का हिस्सा है। लिखा हुआ है ज्यादा देर नहीं करे, उसको सड़ा गला करके नहीं, और उसका बड़ा अलंकार पूर्वक लिखा हुआ है शास्त्रों में कि गंगा जल इत्यादि से शुद्ध करके स्नान करके चंदन अलंकार इत्यादि लगा करके नए वस्त्र, और यदि वो द्विज है तो नया यज्ञोपवीत धारण करके, यदि कोई सौभाग्यवती महिला गई है तो उसका पूर्ण श्रृंगार करके, और फिर वो जो है क्रव्याद नाम की अग्नि को सौंप दिया जाता है। और हमारे यहाँ वेदों में बतलाया गया है कि लोम अभ्या स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा, इस तरीके से वो आहुति दी जाती है उसकी कि भाई ये जो है ये इसका जो रक्त है वो अमुक देवता के लिए है, इसका हाथ है वो एक इस देवता के लिए है, और ये जो है इसके जो रोमे हैं, रोए तक लिखा है लोम अभ्या स्वाहा, वो लोमे वो रोम वो किसी इस देवता के लिए इस अग्नि के लिए है, इसका इस पे अधिकार है, वो क्रव्याद नाम की अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। तो ये विधान है। अगर वो अंग प्रत्यंग आपने निकाल लिए, नेत्र फोड़ दिए, हाथ पैर काट लिए, अंदर के प्लीहा इत्यादि वो सब निकाल लिए, लिवर, तो वो फिर अब क्या उसको अग्नि को समर्पित करेंगे। इसलिए ये सब नहीं करना है और ये शास्त्र निंदित है। इसलिए जिसको हम दे रहे हैं वो उसका भी तो धर्म जाएगा, तो लेना ही नहीं चाहिए। जब लेना ही निषेध हो गया, किस तरीके से लेना निषेध है तो देना फिर कैसे होगा। लेना ही निषिद्ध है, देना वाले भले देव है पर लेना ही निषिद्ध ही है, तो लेने वाले क्यों लेंगे। लेना ही निषेध है कि भाई किसी का कोई भी असृत रक्त या अंग प्रत्यंग जीवित यह अवस्था में या मृत अवस्था में दिए गए कोई भी संभार है उसको शरीर के लिए स्वीकार नहीं करे। जिन लोगों ने दिया, इतिहास के लिए जो कहते हो बलिदान दिया,
उन्होंने अपने देवता के निमित्त, अपने देश के निमित्त, अपनी प्रजा की रक्षा के निमित्त अपना जीवन दे दिया। अगर वे ऐसा चाहते कि हमारा किसी दूसरे के प्राण लेकर के जीवन बच जाए, तो वे कभी लड़ने जाते? कभी कुछ देश की रक्षा हो पाती? इसलिए जीवन श्रेष्ठ नहीं है, धर्म श्रेष्ठ है। और जिन लोगों ने भी दिया है, उन्होंने किसी ने भी, जैसे ददीची इत्यादि के लिए लोग कहते हैं कि ददीची ने लिया, ददीची ने दिया जो है, तो वो किसी देवता ने या किसी व्यक्ति ने उनके अंग प्रत्यंग को अपने शरीर में लगाया था क्या? धारण करना निषिद्ध है। किसी का उनका अस्थि या उनकी कोई रक्त मज्जा मांस आदि किसी ने जो स्वीकार किया क्या? नहीं किया ना, तो ये करना सब निषिद्ध है। इसलिए धर्म की रक्षा ही मुख्य है, शरीर की रक्षा मुख्य नहीं है। ये जो है शास्त्रों का सार है और इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, अब अगर आपको लगता है कि हमारे देश का ऐसा कानून है, ऐसी व्यवस्था, वो व्यवस्था अलग है। इसके ये जो निर्णय दिया जा रहा है, ये निर्णय धर्म शास्त्र के आधार पर, आचार्यों के मतानुसार और आपके पूर्व जन्म को देख करके, और धार्मिक प्रश्नोत्तर है ये। ये कानून से संबंधित ये प्रश्नोत्तर नहीं है। हर हर महादेव।